मैंने मैनपुरी के चुनाव में भी कहा था अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है। बुधवार का दिन सैफई के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए अहम दिन था, जब नेताजी के पूरे परिवार ने मिलकर नेताजी की जयंती मनाई। ये एक ऐसा मौका था जहां अखिलेश, डिंपल, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम परिजन नेताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसी दौरान शिवपाल सिंह यादव ने नेताजी को याद करते हुए ऐसा भाषण दिया जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही है। दरअसल शिवपाल ने सीधे तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है, हम सब लोगों के मन में है और पूरे समाजवादियों के मन में है। जो नेताजी का सपना था आप सब लोगों को वो सपने को पूरा करना है। मैंने मैनपुरी के चुनाव में भी कहा था अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है, हम सब लोगों के मन में है, पूरे समाजवादियों के मन में है। जो नेताजी का सपना था आप सब लोगों को उस सपने को पूरा करना है। अगर हम सबको पूरा करना है तो छोटी बड़ी बातों को भूलना पड़ेगा, त्याग को भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा और फिर जो जिम्मेदारी, जिसको भी जो जिम्मेदारी मिले उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, एक ही सपना है, इन्हें बेईमानों से लड़ना है, इन्हें झूठे लोगों से लड़ना है। हम पूछना चाहते हैं, पूरे के देश के लोगों से पूछना चाहते हैं, इन 10 सालों में ऐसे झूठ बोलने वालों ने बताइए कोई भी एक भी काम किया है, एक भी जनता के लिए काम किया हो, देश के लिए काम किया हो? और नेताजी ने याद करो, नेताजी के काम याद करो, चुंगी मांग से लेकर के पढ़ाई, दवाई, सिंचाई से लेकर के कितना माफ किया था, गरीबों के लिए कितना काम किया था, कितनी योजनाएं दी थी। अगर यहां गिनाना शुरू किया जाए नेताजी के कामों को तो हम सब लोग गिना नहीं सकते। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव की जब से सपा में वापसी हुई है उसके बाद से ही उनके और अखिलेश के बीच में खराब हुई चीजें पूरी तरीके से ठीक होती नजर आ रही हैं। और ऐसे में शिवपाल का सैफई पहुँच कर बयान देना बताता है कि अखिलेश और शिवपाल चुनाव से पहले ये सीधा संदेश देना चाहते हैं कि उनका परिवार एक है और एक होकर ही चुनाव लड़ रहा है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में परिवार की एकता वोटर्स को कितना लुभा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।